इसराइल और गाजा के बीच चल रही जंग में अमेरिका के साथ ईरान की एंट्री भी हो गई है। ईरान पूरी तरह से गाजा के साथ खड़ा है, वहीं अमेरिका ने इसराइल को मदद देने का ऐलान किया है। इसराइल के ऊपर हमले के लिए हमास को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। हमास के प्रवक्ता गाजी अहमद ने खुद इसकी जानकारी दी है। ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कहीं ना कहीं हमास को ईरान की मदद मिल रही है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी काफी पुरानी है, जिस वजह से हमास को सपोर्ट करने की बात पर यकीन भी किया जा सकता है। इसराइल और हमास के युद्ध में ईरान हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हिजबुल्ला ने भी हमास का समर्थन किया है। कहा जा रहा है कि इस हमले की प्लानिंग बेरूत में हुई और इस पर हिजबुल्ला ने भी हामी भरी। अमेरिकी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया कि ईरान को हमास के प्लान की पहले से खबर थी। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्ला के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इसराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी। इस पर्दाफाश के बाद ईरान और इसराइल के बीच तनातनी और बढ़ गई है। अगर गाजा से इसराइल की जंग और आगे बढ़ती है तो इसके तेहरान तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। ऐसे में अगर इसराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो वो गाजा की जंग से भी भयंकर साबित होगा। वजह है दोनों देशों के पास हथियारों से भरा गोदाम, एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें। अगर ईरान और इसराइल में हम तुलना करते हैं तो ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त सक्रिय सैनिक है 5,75,000, वहीं इसराइल के पास इस वक्त 1,73,000 सक्रिय सैनिक हैं। रिजर्व सेना की बात करें तो ईरान के पास इस वक्त है 3.5 लाख रिजर्व फोर्स और इसराइल के पास यह आंकड़ा है 4,65,000। आगे ईरान के पास जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो है 90,000, यह आंकड़ा आपके सामने है, और इसराइल के पास 8,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। लड़ाकू विमान इसराइल के पास है 241, तो ईरान भी बहुत पीछे तो नहीं है, 196 उसके पास में लड़ाकू विमान है। इसराइल वर्सेस ईरान आप देख रहे हैं, अगर युद्ध दोनों के बीच होता है तो अटैक हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करते तो 48 है इसराइल के पास और ईरान के पास में यह संख्या है 12। आगे बात करते हैं टैंक की, तो 2200 इसराइल के पास टैंक मौजूद है। ईरान के पास में ही बड़ा आंकड़ा है, 4,071 का टैंक है इसराइल के पास में, यह आंकड़ा उसके पास है। बख्तरबंद गाड़ियां 56,290 इसराइल के पास है और ईरान के पास है 69,685 बख्तरबंद गाड़ियां। तो आप सोचिए जरा, दोनों देशों के बीच में अगर जंग हो जाती है तो यह आंकड़ा बहुत कुछ बताता है। वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, ये 3 वीडियो तो बस बानगी है। ईरान इसराइल में खौफ भरने के लिए ऐसे कई वीडियो रिलीज कर चुका है। ये वीडियो इसराइल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दे रखी है कि अगर उसने ईरान के सैन्य या फिर परमाणु ठिकाने की तरफ देखा तो उसके शहर तेल अवीव को तबाह कर दिया जाएगा। गाजा में चल रही जंग के बीच ईरान की मीडिया की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने मोर्चा संभाल रखा है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों के निशाने पर इसराइल का तेल अवीव शहर था। कहा गया कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ तो इसराइल का शहर तेल अवीव मलबे में बदल जाएगा। इसराइल को धमकी दी गई कि उसके हमला करने वाले विमानों को उतारने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी, यानी अगर वो हमला करने के बाद बचकर लौट भी गए तो इसराइल में लैंड नहीं कर पाएंगे। हाल ही में ईरान ने खास परेड कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 को टेस्ट करके बता दिया कि वो इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानी टर्मिनल स्टेज में, इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। ईरान इसराइल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। वजह बना है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और ईरान की हमास के लिए हमदर्दी। दावा किया जाता है कि इसी हमदर्दी के चलते ईरान बरसों से हमास को हथियार मुहैया कराता आया है और अब भी कर रहा है। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक ईरान ने पहली बार 1980 के दशक में हमास और फिलिस्तीन के साथ रिश्ते जोड़े थे। दावा किया जाता है कि उसी वक्त से ईरान हमास को धन, हथियार और ट्रेनिंग देता रहा है। ईरान ने कई तरह के रॉकेट भी हमास को ट्रांसफर किए हैं।
खास तौर पर फज 3 और फज 5 रॉकेट के साथ साथ सीरिया में बने M302 भी गाजा को दिए हैं। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इसराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इसराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। यही वजह है कि इस बार भी गाजा के साथ इसराइल की जंग में अमेरिका खुलकर उतर गया है, और अगर जंग आगे बढ़ी तो गाजा और इसराइल को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच भी भिड़ंत हो सकती है।